मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को, और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्तराखंड में बारिश गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिल्ली, यूपी सहित उत्तर भारत के राज्यों में आज से होगी तेज बारिश। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मौसम में भारी बदलाव दिख सकता है। मौसम का यह बदलाव लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत देने वाला साबित होगा। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई थी और यह सिलसिला रविवार को भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश होने की आशंका जताई है। कई जिलों में झमाझम बारिश होगी तो कई जिलों में लोगों को इतनी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत देश के अन्य हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की आशंका है, जबकि कई इलाकों में बिजली की कड़क के साथ लोगों को बारिश का सामना करना होगा। उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में मौसम में भारी बदलाव दिखेगा। आज 2 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, तो आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली ट्रफ लाइन की वजह से हवा में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दिखेगा। इस कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज झमाझम बारिश का दौर दिख सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में एक बार फिर से मौसम खुशनुमा होने वाला है। शिमला मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार यानी 27 जून से मौसम में बदलाव होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और आंधी का दौर शुरू होने वाला है। इसे लेकर मौसम विभाग ने 27 जून से 29 जून के लिए हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जून को मॉनसून राजधानी में दस्तक दे देगा। यहां 27 जून से ही बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 दिन के अंदर कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल व गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 29 जून तक ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में 27 से 29 जून तक और यूपी में 28 और 29 जून को भारी बारिश का अनुमान है। बिहार के 8 जिलों में भारी वर्षा की संभावना। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 जून के बाद इस इलाके में जोरदार वर्षा हो सकती है। राज्य में एक ट्रफ लाइन बनने से सीमावर्ती इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। मध्य और दक्षिण भाग का मौसम शुष्क है। उत्तर बिहार के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती जिलों में वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी वर्षा हो सकती है। 6 जुलाई तक पूरे देश को कवर करेगा मॉनसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है, जबकि सामान्य तिथि 8 जुलाई है। एक जल्द शुरुआत के बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और बाद में मध्य भारत में अनुकूल प्रणालियों के अभाव में दक्षिण पश्चिम मॉनसून देर से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, वडोदरा, दोनों गुजरात, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से होकर गुजर रही है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।